अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। खुदबुल्लापुर मंडल खैसर नगर इलाके में मुकामी अवाम को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर पीने के लिए पानी नहीं है, कई बार शिकायत करने के बावजूद भी कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। यहाँ के MLA एक भी दौरा नहीं किए। डिवीजन 125 यहाँ की अवाम बहुत परेशान है। हुकूमत तेलंगाना चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव, आप यहाँ के भी चीफ मिनिस्टर है, जरा एक नज़र देखें यहाँ की अवाम की क्या हालत है। नवीन कुमार के साथ में शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। नाम बेगम। कितने साल से रह रहे हैं आप? हाँ? कितने साल से रह रहे हैं? तीन साल से रह रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम फैजुनिसा है। फैजुनिसा, कितने साल से रह रहे हैं? साल से हम ना पानी की बहुत प्रॉब्लम है, पानी नहीं है, छोटे छोटे बच्चे लेके हम ना साफ पानी पी रहे, अंधेरा, लाइट आ नहीं है, लाइट का भी इंतजाम होना, हमारे को ड्रेनेज लाइन नहीं है, असल पानी की बहुत परेशानी है हमारे को। चार पांच बच्चे भवा है घर में, पानी इधर उधर फिर रहे, कोरी का पानी ला के बर्तन कपड़े धोते हम लोग। हमारे को पानी होना पहले एरिया में 8 दिन में नहीं, 4 दिन में टैंकर आना, हमारे को पानी होना हमारे पास। टैंकर फ्री में आ रहा है, तो पैसे लेके? नहीं नहीं, पैसे लेके आते, पैसे देना पड़ता। ड्रम को 25-30 रुपए दे रहे हैं, ड्रम को 30 रुपए। हाँ, पानी की बहुत मुसीबत है हम लोग, पानी की बहुत मर जा रही है। अब कारियों में से कहीं को ला ले रहे पानी? बस ने हरा बल के ला ले रहे, कोरियों को जाके कपड़े धो ले रहे, बच्चों के बर्तन धोने करने, सब नहाने पानी वही ला रहे। कोरी में कितने लोग मर के पड़े, उसमें पानी में वो आ रही है हमारे को, वही पानी यूज कर रहे हम लोग। फिर आपके लोकल लीडर कुछ बोले क्या? आपके लोकल लीडर उसको कर रहे ना, उन्होंने 8 दिन में एक इंतजाम करे, वो पीने को भी बस नहीं होता। वो टैंकर आया था का पूरा पानी, आधा आधा हिल के पूरा पानी टैंकर का चले आता, आया तो आदमियों का आधा आधा ड्रम आता, वो आधा आधा ड्रम में क्या करते, 8 दिन तक पीते हम लोग, पी भी नहीं सकते। बच्चों के छोटे छोटे बच्चों को तक पानी नहीं है, बच्चे सब गली गली फिर रहे, रातों को बहुत डर होता हम लोग यहाँ पर। MLA साहब को बोले क्या हम? आप मेले साहब को बोल रहे जा रहे हम लोग, जा रहे हैं, ईद है बल्कि रुके हुए हैं, हमारे पानी की बहुत परेशानी है यहाँ पर।